दिन का है तिन की पास सदा। तिन यह मन है जिनके पास सदा, दिन का भी तिन की पास सदा, यह मन है जिनके। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है, घूंघट का पर्दा। पहुंचा दे पासी उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिल असुर तुझे ये धिक्कारेगा, तिनका तिनका, अन्यथा एक दिल। अभिमान है, तिनके को तू मेरे सामने शत्रु के रूप में प्रस्तुत कर रही। सीते छोटी सी बच्ची अंशिका कुशवाहा, इनकी ओर से 11 मुद्राएं माता जानकी जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद, सबको मारूंगा जो इनका साथ देगा, ये बात ध्यान रखना, और तुम भी साथ दोगे तुमको भी मारूंगा, क्योंकि ये मुझे शत्रु रूप में दिखाई दे रही है। पहले अपनी त्रिजटा बुआ का तो सीते सीते देख दसानन सन्मुख, तू ध्यान त्याग दे। सीते उनका जो जर जंगल में खोज रहे और भटक रहे, पत्थर तिनका ये, तिनका जिनका ये बन बार करे, तो ये रावण दिखलाएगा करके मन का, और दसमुख का क्रोध देख थर्राएगा, ये तेरा तिनका तिनका तिनका। सीता तैमम कृत पमाना, कटिया तो सिर कठिन कृपाना, जो रावण की विश्व में नहीं हो सकी, संसार में उसे जीने का अधिकार रावण ने नहीं दिया। आज मैं देखता हूँ मेरे हाथों से तुझे आज कौन बचाएगा। शोथान सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। महारानी महारानी प्रणाम, आपने हमारे कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया, ऐसा तुम्हारे द्वारा किया गया, क्यों किया गया मैं जानना चाहता हूँ। प्रणाम, कहो आप ये क्या करने जा रहे हैं। वही जो मुझे करना उचित लगता है। आप तो एक वीर हैं। तो वीर कभी नारियों पर शस्त्र का प्रहार नहीं करते। अरे मैं इसका सर काट देता अगर तुम नहीं। मेरे नाथ देखो ना, ये अबला है, देखो ना वो किस तरह से बैठी अपने पति के वियोग में, और आप हैं जो उस पर ताने पर ताने मार रही हैं। क्यों नाथ, सुने मेरे नाथ, और ये है नारी, हाँ ये है नारी, और ये नारी बनो मत पिया, ये नारी अनाड़ी बनो मत पिया, खड़कील को दिखाने की कोशिश न कर, ये नारी, ओ ये नारी, अनाड़ी बनो।
कैसे हाल है काल का डर नहीं बैठी बेहाल है काल का डर नहीं ज्यादा इनको डरा रे की तुम एक लोक स्वामी वो तीन लोक स्वामी होती ना बराबरी तारा और भान की खर दूसर तीसरा मारे जिनमें थी शक्ति तुम्हारे समान की लौटा दो जान की लौटा दो जान की नहीं तो जाएगी जान की। महारानी तुम बहुत डर रही हो, तुम कह रही हो तीन लोक स्वामी, तो क्या तुम ये जान रही हो कि ये मैंने अनजाने में यह काम किया है? महारानी जिंदगी में कभी हार नहीं होती, कोई भी बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती, ये गुनाह तो करवा देती हैं मजबूरियां, अन्यथा जिंदगी कभी गुनहगार नहीं होती। ये जो मैंने कार्य किया है ये मैंने जानकर के किया है और ये तुम जान रही हो, तुम स्वयं जानती हो, तुम कह रही हो कि जान की बाजी लगाई तुम्हारी जान जाएगी। अरे मैंने जान की पे जान के बाजी लगाई जान की, अनजाने में मैंने थोड़ा हरण किया है, मैंने जान करके हरण किया है। जान की पे जान के बाजी लगाई जान की, मैं हूं सुजान जानकार हूं मैं, ना अनजान और ना ये भोली जान की, ये भी भोली नहीं है जान की है। आन की न मान की न चिंता सम्मान की, महारानी जान दइहो जान पै ना जान दइहो जान की। क्यों कुछ समय दे दीजिए, अब इनको ये तो बता दूं कि मैंने हरण क्यों किया, तुम इतनी जल्दी कह के लिया कर रहे हो, बेचारी की दशा नहीं देखी जा रही, कल ना कर रहे थे बहुत जल्दी, जब तो हमको जल्दी ना होने दिया था। महारानी जानती हो मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि पूर्व जन्म का मैं जालंधर लड़ा बहुत शिव शंकर से और शंकर मुझको हरा ना पाए उन अपने तीखे बाणों से, शंकर मुझको हरा ना पाए उन तीखे अपने बाणों से छली गई थी मेरी नारी, मेरी नारी का नाम था वृंदा, छली गई थी मेरी नारी उस बहु रूपी नारायण से, तो मैंने भी बदले में सिया हरी है और लिया है बदला, दिया है पत्थर का उत्तर आज मैंने पत्थर से। लेकिन महारानी दाम्पत्य जीवन जब ही मधुर रहता है कभी कभी पत्नी की बात मान लेनी चाहिए, है कि नहीं? तुम यदि कह रही हो तो मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं, एक अवसर प्रदान कर रहा हूँ, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में ये जीवन रूपी रथ के दो पहिए होते हैं, यदि एक टूट गया ब्रजेश तो ये जीवन रूपी गाड़ी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकती है। और ये तो हमारी सबसे प्रिय है परम सुंदरी नार ललामा, ऐ सीते देता हूँ समय। हमें लग रहा है आपकी अंतिम सांसें चल रही हैं। नहीं, हमारी अंतिम सांसें नहीं चल रही, हम कई को मार करके मरेंगे, ये भी ना ध्यान। हाँ, तो क्या करना है बताइए। वही मैं करने जा रहा था, तुम हमारे मारने में बहुत ज्यादा प्रयासरत हो, आखिर क्यों? अरे जीवन में यदि हम मर गए तो फिर अकेले हो जाओगे, ढूंढना हमारे जैसा व्यक्तित्व आपको मुश्किल पड़ जाएगा। ऐ सूते देता हूँ समय 30 दिन का, जब तर्क न उचित उत्तर होगा करनी का फल तू पाएगी, ये खांदे और तेरा ये सिर होगा, मैं 30 दिन के बाद पुनः आऊंगा, उस समय या तो तू मेरी बात मानेगी या तेरी चिता इसी स्थान पर बनेगी। ए त्रिष्टा राक्षसियो इसको डराओ धमकाओ, इनके प्रकार जैसे भी हो मेरी बात मानने पर विवश कर दो, सीते चल रहा हूँ मैं पुनः आऊंगा। जाओ तो महाराज को पानी यानी पिलवाओ। तेरे जट्टा नाम राक्षसी एका, राम चरण नति निपुण विवेका,
सीते महाराज रावण का कहना मान जाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अच्छा डरोवतिया इतने डरो मत तो चूहे तक ना डराई। आ जा यहां और बार बहुत बढ़िया इधर इधर बैठ जा। तुम जिनको डरवाने जा रही हो ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये जगत जगदम्मा तोर अम्मा की अम्मा मोर अम्मा की अम्मा। हाँ तुम आयु अम्मा। हाँ क्यों क्यों कह रही हो ऐसा? क्योंकि मैंने आज रात में एक स्वप्न देखा है। सपना? हाँ वो सपना नहीं दिल वाले वाली। हाँ सपना? हाँ कौन सपना? वो सपना नहीं जो उन पागल हो जाते अजय देवगन। हाँ पता है मैंने स्वप्न में क्या देखा है? क्या देखा? सपने बानर लंका जारी बुआ का भेजारी। बुआ पहली बात तो एक बात समझ ले, यूट्यूब चल रहा है ठीक है, जब कोई वीडियो अपलोड होते हैं तो बहुत दूर दूर तक जाते हैं। हाँ इस बात को तुम संज्ञान में रखा करो। जब तुम कह रही हो मैंने देखा है सपने बानर लंका जारी तो बुआ कब है जारी? जब है जारी तो बेटा तेरे को पता लगी। सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी बुआ कब है मारी जब तोर घंगरिया फारी। मैंने देखा है कि एक बंदर लंका के अंदर घुसाया है, उसने पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है और जितनी भी लंका के राक्षस हैं सबको मार दिया है और हमारे महाराज खर अरूर नगंद सीसा मुंडित सर खंडित सा हमारे महाराज के दशा वो नंगा वह समय अरे वही तो नग्न अवस्था में कहां ले गए हैं कहां? ये भी सो दक्षिणी मानव लंका विभीषण पाई हमारे भैया भीषण भैया उनको राजपाट मिल गया है और हमारे ये लंका के जो है राक्षस है ना उनको जो है निकाल दिया गया है। ये इसीलिए कह रही हूँ कि जाओ इनके जो है पांव पर और अपनी अपनी चूड़ी न भरवाओ है चल निकल। हाँ यही मार जाओ पुत्रपति भवा तेरे जटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगन ते मोरी। मैया अब आप ही हैं जो इन विपत्तियों के समय में मेरा साथ देती हैं, पर मैं बहुत सहन कर चुकी अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तुम कहीं से भी अग्नि ला दो एक चिता बना दो जिससे मैं जल करके भस्म हो जाऊं मैया भस्म हो जाऊं। देखो तुम चिंता न करो एक न एक दिन प्रभु राम जी अवश्य आएंगे यहाँ पर इस दुष्ट आत्मा का संहार करके तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर अवश्य ले जाएंगे। तुम विश्राम करो मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आ रही हूँ। लाओ कहाँ है? इधर हनुमान जी ये सब देख रहे और हनुमान जी